का रिएक्शन किस तरह से होता है देखिए। ओ भाई, तो इस तरह का इसका क्रीप टर्टल का रिएक्शन होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनफॉरगेटेबल्स बाइक में। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हमारा क्विक थर्टल। जो हमने इससे पहले जो हमने ये बैंगून कंपनी का क्विक थर्टल इंस्टॉल किया है, तो हमारे कई व्यूवर्स जो है वो जानना चाहते हैं कि क्विक थर्टल का रिव्यू बताइए, मतलब ये परफॉर्मेंस में कैसा है, इसके लॉसेस क्या है और इसके प्रॉफिट्स क्या है। तो चलिए आज क्विक थर्टल का पूरा फुल डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं, और हमने जब इसको इंस्टॉल किया तो पहले और अभी चलाने में कितना डिफरेंस आ रहा है वो भी आपको पूरे डेमो के साथ बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लास्ट तक वीडियो पर फुल डिटेल के लिए बने रहिए। ये देखिए, ये बैंगून कंपनी का क्विक थर्टल जो हमने लगाया है, तो उसका फायदा ये है कि ये बस एक्सलेटर थोड़ा ही बस बढ़ाना पड़ता है। हमारा रेगुलर एक्सलेटर होता है उसके मुकाबले हाफ रोटेशन में ही इसका वर्क कम्प्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़े से मूवमेंट में ही ये जो है ये काफ़ी अच्छी स्पीड ले लेता है, और डबल वर्किंग जो है वो बढ़ जाता है, जैसे कि हम डेमो में तो दिखाएंगे। लेकिन अभी देखिए, ये हमने बैंगबूम का जो क्विक थर्टल इंस्टॉल किया है उसमें ये जो है पूरी प्लास्टिक बॉडी है, जबकि हमें जब जानकारी नहीं थी क्विक थर्टल के बारे में ज़्यादा, लेकिन अभी कुछ दोस्तों से पता चला कि बैंगबूम से अच्छा भी क्विक थर्टल मिलता है, जो कि मतलब फुल एल्यूमिनियम बॉडी में होता है। डोमिनो कंपनी का आता है, जो डोमिनो का जो बॉडी होता है वो इस तरह के बटन्स वगैरह नहीं होते, लेकिन एल्यूमिनियम बॉडी में होता है और वो काफ़ी टिकाऊ होता है। तो हम भी, हमारा जब खराब हो जाएगा तो हम क्विक थर्टल के बाद हम नेक्स्ट जो क्विक थर्टल डालेंगे या फिर पावर थर्टल बोल सकते हैं, वो हम डोमिनो कंपनी का डालेंगे। तो इस तरह से क्विक थर्टल लगने के बाद इस तरह का लुक तो आता है, काफ़ी स्पोर्टी लुक आता है क्योंकि इसमें लॉन्ग केबल होता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये लॉन्ग केबल जो है ये ऊपर से इस तरह से मूव होता है, और इसका लुक जो है बाइक का वो काफ़ी अट्रैक्टिव और बढ़िया लगने लगता है। बस इसका डिसएडवांटेज जो है वो एक ये है कि आपको लोग परेशान बहुत करेंगे कि ये कलरफुल पाइप और ये अलग ही सेटअप जो दिखने में लगता है, तो उसके बाद आपको लोग सवाल काफी पूछेंगे कि ये क्या चीज लगाई है आपने, इसका क्या फायदा है, या फिर ये क्या होता है। इसके बारे में हमें बहुत लोगों ने सवाल पूछे है। चलती बाइक में जहां भी रुकते हैं तो रुकने के बाद बस लोगों का पहला सवाल होता है कि ये ग्रीन कलर का पाइप और ये एक्सलेटर ये किस टाइप का है, इसे क्या बोलते हैं। तो बस ये एक इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन इसके फायदे काफी बहुत है। तो चलिए अभी आपको इसका डेमो बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, राइडिंग के दरमियान ये कैसा वर्क करता है इसका भी डेमो अभी दिखाते हैं आपको। तो चलिए बाइक स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमारी बाइक थी वो खूब स्लो, मतलब स्लो पावर फील होता था। तो एक्चुअली बाइक की पावर तो नहीं बढ़ी है, पुराने एक्सलेटर में थोड़ा डिफरेंस ये फील हो रहा था कि उसमें टाइम लगता था, एक्सलेटर ज्यादा मूव करना पड़ता था। इसमें बस थोड़े से एक्सलेटर के बाद ही ये वर्क काफी ज्यादा हद तक कर रही है बाइक, रिएक्शन बहुत क्विक हो रहा है। और ये एक्सलेटर जो है ये थर्टल थोड़ा सा हार्ड होता है, लूज और फ्री नहीं चलता है, थोड़ा सा जाम होता है। तो देखिए अभी ये फर्स्ट गियर है, तो ये सेकंड गियर तक ही देखिए ये बिल्कुल थोड़े से वर्किंग में, मतलब इतना क्विक ये पावर जो है ये हमें पहले फील नहीं होती थी। तो ये एक्सलेटर का देखिए, इसका नॉर्मल एक्सलेटर में बाइक धीरे धीरे चलेगी, बाद में पिकअप लेगी, और इसे क्विक थर्टल इसीलिए बोलते हैं कि इसका क्विक रिएक्शन जो है, तो ये क्विक रिएक्शन यानी कि बहुत जल्दी कार्बोरेटर की स्लाइड को ऊपर उठा लेता है और बहुत जल्दी रिटर्न भी कर देता है। तो इसलिए हमें इस क्विक रिएक्शन और क्विक बिट्स भी बहुत, गाड़ी की फायरिंग भी बहुत बढ़िया बनती है, तो ये इसमें फर्क हमें लगा है। तो ये देखिए अभी, अगर इसको ज्यादा ही अगर हमने यूज कर लिया या फिर ज्यादा एक्सलेटर घुमा लिया तो इसका रिएक्शन किस तरह से होता है देखिए। ओ भाई, इस तरह से बाइक विली पे आ जाती है, तो बाइक जो है थोड़ी उठ रही है, तो इस तरह का इसका क्विक थर्टल का रिएक्शन होता है। तो इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी बहुत लोगों ने पूछा था, तो एक्चुअली इसके डिसएडवांटेज के बारे में बताने लायक कुछ है ही नहीं। तो इसे लगाने के बाद कुछ लोगों के माइंड में यह सवाल जरूर आया होगा कि इसको लगाने के बाद जो है हमारी बाइक जो है वो माइलेज कम देगी, या फिर इसके कुछ इंजन पर साइड इफेक्ट होंगे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, ये
चलाने में बहुत ही अलग फीलिंग है इसका। बाइक जो है हर गियर में मतलब पॉप अप कर रही है, तो इसका फीलिंग जो है वो अपने सादे एक्सीलेटर से डबल है। तो आप ये मन से निकाल दीजिए कि आपकी बाइक जो है माइलेज वगैरह बराबर नहीं देगी। माइलेज का कोई इशू नहीं है, जितना माइलेज पहले दे रही थी हमारी बाइक उतना ही माइलेज अभी भी दे रही है। और एक मेन चीज ये है कि इसको लगाने की वजह से जो है वो क्विक रिएक्शन मिलता है, और बाइक चलाने का जो मजा है वो सादे एक्सीलेटर के साथ नहीं आ रहा था। तो अभी अगर किसी की सादे एक्सीलेटर की बाइक हम चलाते हैं तो हमें बिल्कुल ही मजा नहीं आता है। अब इसकी आदत पड़ने की वजह से यही बहुत अच्छा लगने लगा है। तो इस तरह से ये पावर थ्रॉटल जो है ये वर्क करता है। अब आपको डोमिनो यूज करना है या फिर ये बैंगू यूज करना है, वो अपने अपने खर्चे के हिसाब से। डोमिनो का थोड़ा महंगा होता है क्योंकि वो पूरी मेटल अलॉय या फिर एल्युमिनियम अलॉय में होता है। तो हमारा बैंगून का जो है ये हमें भी नॉलेज नहीं था, इसलिए हमने प्लास्टिक मटेरियल में ले लिया था। तो भी इसमें इतना मजा आ रहा है तो डोमिनो में तो और मजा आने वाला है। तो इस तरह इसके साइड इफेक्ट भूल जाइए, क्योंकि इसको चलाने का जो फील है ना भाई वो सबसे हटके और अलग है। तो इसके फील के सामने जो है ना वो सादा एक्सलेटर या फिर माइलेज कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सही में हमें माइलेज की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम अभी बड़े बड़े लॉन्ग टूर और राइड पर जा चुके हैं तो हमें कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स माइलेज की कोई दिक्कत नहीं। माइलेज अगर हम देखें तो हमारी बाइक का माइलेज है एक्चुअली पहले के जैसे ही माइलेज है, बस इसको चलाने का जो मजा है वो बस बड़ा है। ये देखिए इसको हर गियर के बाद हमारी बाइक जो है वो पॉप अप हो रही है। तो इस तरह झटका दे रही है बाइक और चलाने में काफी सॉफ्ट है हमारी बाइक। तो माइलेज में जो कोई फर्क नहीं पड़ा है, माइलेज एक्चुअली इसका 40 तक है तो बस 40 ही मिल रहा है। माइलेज इसको लगाने के बाद कोई डिफरेंस नहीं मिला। और दूसरी बात, अगर और आराम से बाइक चलाएंगे तो और ज्यादा माइलेज मिलता है, क्योंकि हमारी बाइक का जो है 46-47 भी माइलेज मिल चुका है हमें। तो इस तरह की जो है इसकी बाइक राइडिंग की फीलिंग है और क्विक, बिल्कुल क्विक हमें परफॉर्मेंस मिलता है, इसलिए बाइक चलाने का मजा वाकई में सेम है। बहुत ही गजब का फील है और बहुत अलग एक्सपीरियंस है इसको लगाने के बाद बाइक चलाने का। तो आप बेझिझक लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपके इंजन को भी सेफ रखेगा, इंजन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मन से निकाल दीजिए कि इसको लगाने के बाद हमारे इंजन में या फिर कोई और प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट ना हो जाए, तो ये सरासर गलत है। अब देखिए दोस्तों, इसको जैसे कि हम नॉर्मल बाइक स्टार्ट करते हैं तो उससे बहुत ही अलग फील है। अब देखिए इसको फर्स्ट गियर के साथ चलाते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड, काफी क्विक रिएक्शन मिलता है। तो इस तरह का फील है। और हमने जो लास्ट वीडियो में बाइक का डिस्क ब्रेक वगैरह इंस्टॉल किया था उसका भी देखिए, तुरंत हमारी बाइक स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह जो है हमारी बाइक तुरंत स्टॉप भी हो जाती है और हमें काफी अच्छा पावर फील हो रहा है, उसके बाद कंट्रोलिंग भी काफी गजब मिल रही है। तो आपकी किसी भी क्वेरी का हम जवाब देंगे, बस आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए। इंस्टाग्राम पर जो आईडी है उसमें भी हम आपके साथ चैट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो इस तरह का दोस्तों हमारा किक थ्रॉटल का एक्सपीरियंस था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ऐसा लगता है कि बाइक सब चैन सेट वगैरह तोड़ताड़ के निकलेगी, तो इस तरह का फील आया है। तो ओके, थैंक यू दोस्तों, प्लीज राइड सेफ एंड वेयर हेलमेट। थैंक यू।